जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि कंप्लीट आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ए, एन और द, इसका करेक्ट यूज़ क्या है आपको ये पता चल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, एक ही क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञानसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञानसर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। आर्टिकल, आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आर्टिकल का हिंदी नाम होता है उपपद। आर्टिकल होता क्या, अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है ना, ये एक तरीके से एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक, देयर इज फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, मतलब ये डेफिनेट रहता है, इसको द कहते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब यहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं रहेगी, ए और एन। ठीक, तो देखिए, आर्टिकल के बारे में अब तक आपने क्या सीखा कि आर्टिकल एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक द और दूसरा ए और एन। ठीक, देखिए यहाँ पे एक डेटा लिखा है, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विथ नाउन। इसका मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल का जब भी आप यूज़ करेंगे ना, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं, है ना, 8 पार्ट्स में सिर्फ नाउन के लिए आर्टिकल आते हैं, कभी भी प्रोनाउन या किसी अन्य सेक्शन के लिए नाउन नहीं आएगा। यद्यपि अगर आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब इनके पहले आर्टिकल दिख रहा है ना, तो वो भी आर्टिकल नाउन का ही होगा। ठीक, चलिए इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेटा लिखा है, डेटा क्या लिखा है, ये लिखा है, लिखा है कि आर्टिकल विदाउट नाउन आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल नाउन इज नॉट यूज्ड, है ना, मतलब बिना संज्ञा के आप उपपद का और बिना उपपद के संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। ग्रामेटिक तौर पर अगर आप ऐसा करते हो तो इसे गलत माना जाएगा। अगर आर्टिकल है तो उसका नाउन भी होगा, और नाउन है तो उसका आर्टिकल भी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज चेयर, है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, यहाँ पे चेयर आपका नाउन है लेकिन नाउन का आर्टिकल दिख रहा है, नाउन का आर्टिकल नहीं, मतलब ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसका सही स्वरूप हो जाएगा दिस इज अ चेयर। ठीक, यहाँ पे चेयर के लिए हमने अ का यूज किया तो इसका सही स्वरूप होगा। देखिए अगला सेंटेंस लिखा है दैट इज अम्ब्रेला, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए अम्ब्रेला दिख रहा है, अम्ब्रेला नाउन का काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर अम्ब्रेला का जो आर्टिकल है वो नहीं दिख रहा, तो ये भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसका सही स्वरूप हो जाएगा दैट इज एन अम्ब्रेला, मतलब अगर नाउन है, सेंटेंस में नाउन दिख रहा है, तो उसका आर्टिकल भी 100% कहीं ना कहीं जरूर होगा, बिना आर्टिकल के नाउन नहीं आएगा, ये ग्रामेटिक रूल होता है। चलिए आगे आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड, यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स लिखे गए, एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, सनी इज अ वाइज मैन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सनी नाउ मतलब ये नाम है ना, इज हेल्पिंग वर्ब, वाइज देखिए यहाँ पे एक तरीके से नया एडजेक्टिव है, वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैन ये नाउन का काम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नाउन आया लेकिन नाउन का आर्टिकल पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं दिख रहा है। अगर नाउन का आर्टिकल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कुछ ना कुछ गलत है इसमें, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही स्वरूप क्या, देखिए सनी इज अ वाइज मैन, है ना, आपने लिखा सनी इज अ वाइज मैन, तो देखिए आपने लिखा है सनी इज अ वाइज मैन, है ना, मतलब यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल भले ही वाइज के पास है लेकिन ये यूज किया गया मैन के लिए, है ना, तो ये मैन का आर्टिकल है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे
तीन सेंटेंस लिखा गया। पहला सेंटेंस है योर ब्रदर इज ऑनेस्ट बॉय। देखिए योर ब्रदर एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहे है ना, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ऑनेस्ट ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय लिखा है। देखिए ये नाउन दिख रहा है, लेकिन नाउन का आर्टिकल पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं दिख रहा है। जब नाउन का आर्टिकल नहीं, मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिक तौर पे गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना। देखिए अगला सेंटेंस देखेगा, योर ब्रदर इज ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। देखिए इसमें नाउन मिसिंग है, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव भी, सॉरी आर्टिकल भी नहीं है। जब नाउन नहीं है और आर्टिकल नहीं है, दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगले वाक्य को देखते हैं। देखिए दिया है योर ब्रदर इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, तुम्हारा भाई एक ईमानदार आदमी। देखिए यहाँ पे योर ब्रदर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इज हेल्पिंग वर्ब है, एन ये एक आर्टिकल है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑन बॉय, बॉय ये नाउन हो जाएगा। देखिए ये बॉय जो नाउन है, इस बॉय के लिए यहाँ पे ये एन आर्टिकल यूज हुआ है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले में ना यहाँ पे मैन के लिए ए लगा है, बात सही है, यहाँ पर बॉय के लिए एन कैसे लग गया तो इसकी बात बता दे। देखिए जब भी जो आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल जो यूज होगा ए या एन, ये हमेशा अपने सबसे पास वाले वर्ड के साउंड को देखेगा। अगर ये वावल साउंड देगा तो वावल का यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वावल कहने का मतलब है इसके लिए, मतलब ये वावल की जगह यूज होता है वावल के साथ, और ये कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। अभी आगे डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पे इसीलिए एन का यूज किया गया, क्योंकि इसमें अ की साउंड आ रही थी ऑनेस्ट में, इसलिए यहाँ पे एन का यूज है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राधा इज अ वेरी गुड गर्ल। देखिए यहाँ पे ये देखिए वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पे गर्ल नाउन है, यहाँ पे गर्ल नाउन है तो नाउन गर्ल का आर्टिकल होना चाहिए, तो गर्ल का आर्टिकल ये ए है, है ना। तो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ सकती है, डिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, कि ऐसा नहीं कि नाउन के तुरंत पहले आएगा, ये नाउन के पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है, एडवर्ब के पहले भी आ सकता है। ये सिचुएशन होगी कि सेंटेंस में किस प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले स्लाइड पे, है ना। देखिए अब यहाँ पे अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया है, आपसे बोला गया है कि जब भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाउन कितने स्वरूप में हो सकते हैं। देखिए ये मैं नाउन का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आर्टिकल का चैप्टर है, नाउन के चैप्टर में नाउन को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे खाली मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से नाउन आर्टिकल ले सकते हैं। देखिए जो आर्टिकल टेकिंग नाउन है, मतलब जिसके साथ आर्टिकल जा सकता है, वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर होगा, साथ में आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पेन हो गया, है ना, काऊ हो गई, है ना, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मतलब जिसको काउंट करना पॉसिबल है। अब जैसे मान के चले मैंने राइस लिखा, सिर्फ राइस, है ना, तो राइस अनकाउंटेबल हो जाएगा। मिल्क लिखें, मिल्क अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो उन सबको काउंट नहीं कर सकते। अब देखें, और ये काउंटेबल नाउन जैसे सिंगुलर है तभी तक आर्टिकल का यूज होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया पेंस, है ना, जैसे मैंने पेंस लिख दिया तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए पेंस के साथ नहीं होगा, जैसे मैंने काउज लिखा तो काउज के साथ नहीं होगा, और अगर होगा तो इसकी परिस्थिति क्या होगी आपको आगे समझाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक बेसिक बात हो रही है, एकदम डिटेल नहीं है। अभी डिटेल हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक क्ल्यू मिलते जाएंगे और चीज़ें सेट होती जाएंगी। देखिए अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ पे दिया प्रॉपर नाउन, अगर कोई प्रॉपर नाउन है ना तो वहाँ पे भी नाउन का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हाँ लेकिन अननोन होने पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, जैसे कोई प्रॉपर नाउन है और उसके बारे में आप नहीं जानते। मैटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, अब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं आएगा, और अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो फीलिंग को बताते हैं ना, मैटेरियल मतलब जो मैटर को बताते हैं। तो ये सब नाउन में डिटेल में क्लियर होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया है कि बस इतना याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा इन्हीं नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक डेटा दिया यूज ऑफ ए एंड एन, है ना, मतलब ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। तो आपने लिखा है यहाँ पे ए एंड एन का प्रयोग सदैव अनिश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है, मतलब कोई भी चीज जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ ए। अब देखिए यूज ऑफ ए की बात करें तो आपने पढ़ा होगा जरूर कि जब कभी भी कोई शब्द, है ना, कोई भी शब्द होता है वो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे, जैसे बी सी डी एफ जी, है ना, ये टोटल 21 कॉन्सोनेंट होता है। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, बस आपको ये याद रखना है ए ई
आई ओ यू, इसको छोड़ के किसी भी अक्षर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार वोकल साउंड का केस आता है। तो देखिए आप ये डेटा तो याद ही रखिएगा कि कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ मतलब ए का यूज होता है, इसके अतिरिक्त ना वोकल साउंड का केस भी आता है। वोकल साउंड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर वोकल साउंड की बात करेंगे, देखिए जहां पे ना आपका जो उच्चारण है ये वावल का आ रहा है, वावल का उच्चारण आ रहा है, वहां पे भी आप हमेशा देखिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे उच्चारण जो है ना ये कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक है, जहां पे जो उच्चारण है ये कॉन्सोनेंट का आ रहा है, उच्चारण कॉन्सोनेंट का आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमेशा ए का यूज करेंगे, यद्यपि वो सेंटेंस आपका वावल से स्टार्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखने के लिए जाए, जैसे देखिए अ यूनिट, देखिए ये स्टार्ट तो यू से, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पे एन होना चाहिए था, लेकिन हमने अ लिखा है क्योंकि यूनिट को आप यू, देखिए यहाँ पे उच्चारण य का आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से जैसे यूनियन के साथ भी अगर आप देखेंगे तो अ का यूज होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका उच्चारण यस हो रहा है, अ वन रुपी नोट, है ना, वन रुपी नोट। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, अ वन आइड मैन, है ना, अ वन आइड मैन, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अ वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। देखिए ये सब भले ही ना वावल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो उच्चारण है वोकल साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगले स्लाइड पे क्या दिया है, यूज ऑफ एन। अब यूज ऑफ एन की बात करेंगे ना, तो जब कभी भी कोई शब्द ए ई आई ओ यू इन सब से स्टार्ट हो, या फिर उसका जो वोकल साउंड है, वोकल साउंड, ये साउंड वावल किया है ना, साउंड वावल किया है, तो वहां पर भी आप हमेशा किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, बेसिक पैटर्न में तो आपको पता ही, जैसे मान लीजिएगा एप्पल हो गया, हमेशा एन एप्पल लिखा जाता है, है ना, एन एप्पल लिखा जाता है। अब जैसे मान के चलिए इंक पॉट हुआ, तो आप लिखेंगे एन इंक पॉट। ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त ना कुछ चीजें, जैसे देखिए आपने ऑनेस्ट देखा होगा और लिखा जाता है एन ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एच से भले ही स्टार्ट है ना, लेकिन यहाँ पे उच्चारण किसका आ रहा है, आ का रहा है, एन ऑनेस्ट, है ना। जैसे आपने आवर पढ़ा होगा, एन आवर, आपने आयर पढ़ा होगा उत्तराधिकारी, है ना, एन आयर, है ना। इसके अतिरिक्त देखो कुछ चीजें ना, जब कभी भी कोई शॉर्टकट चीजें लिखी जाती है, शॉर्टकट मतलब जैसे देखिए एन एम एल ए, है ना। देखिए जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो एम को ऐसे पढ़ेंगे एम एल, ठीक है, तो यहाँ पे ए से उच्चारण हो रहा है ना, तो एन एम एल ए हो गया। जैसे देखिए एफ आई आर है, एफ आई आर के साथ भी हमेशा एन लगाएंगे, क्योंकि एफ, है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एस डी ओ हो गया, है ना, या फिर देखिए एस डी ओ आप लिखेंगे, जैसे एक्स रे, इसके साथ भी हमेशा एन का यूज करेंगे। जैसे एल एल बी, है ना, एल एल बी के साथ भी एन का यूज होगा। तो यहाँ पे मैं सभी शब्दों को ना क्रम में लिख दे रहा हूँ, इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए जैसे एम एल ए, है ना, एम पी, इनके साथ हमेशा एन लगेगा। ठीक है, जैसे एफ आई आर, है ना, आई ए एस, आई पी एस, आई एफ एस, आई आर एस, एस डी एम, एस डी ओ, है ना, इन सब के साथ एन लगेगा। इसके अतिरिक्त देखिए जैसे एल एल बी, एल एल एम, है ना, तो इसके साथ ये किया जाएगा। जैसे देखिए आपने ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया, है ना, तो इन सब के साथ हमेशा क्या आप किसका यूज करेंगे, इन सब के साथ हमेशा यूज किया जाएगा। इससे आयर हो गया, एच ई आई आर, इनके साथ हमेशा एन का यूज होगा। आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये कैसे याद हो जाएगा, आप छोटा सा डेटा खाली याद रखिएगा, जब भी वोकल साउंड कॉन्सोनेंट का आएगा तो वहाँ पे ए का यूज करेंगे, और वोकल साउंड वॉवल का आएगा तो वहाँ पे एन का यूज करेंगे। इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रोनाउंसिएशन सही से करिए शब्दों को। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ए बी सी डी ई एफ होता है, एफ, है ना, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया है, स्पेशल रूल्स। यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल है, इनकी बात कर लेते हैं। स्पेशल रूल क्या कहते हैं, देखिए स्पेशल रूल ये कहते हैं कि इफ एनी वर्ड्स
इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू आर वाई, है ना। अगर कोई शब्द डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आर्टिकल हमेशा ए आएगा, है ना। यही यहाँ पे ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, हमेशा ए का यूज होगा। देखिए, अगर कोई शब्द डब्ल्यू या वाई की सहायता से प्रारंभ होता है तो उसमें सदैव उपपद ए का यूज होगा। जैसे देखिए, वाच लिखा है ना, तो हमेशा ए वाच लिखेंगे। अ वुडन चेयर, अ ईयर, अ येलो शर्ट, है ना। मतलब ये नियम है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। कभी भी डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ईयर की अगर बात करेंगे, ईयर है ना, ऐसे लिखा जाता है, है ना, है तो ये वावेल साउंड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अ का यूज करेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसी तरीके से अगर कोई शब्द है जो आई या ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा इसमें एन का यूज होगा, कभी भी ए का यूज नहीं होगा। जैसे एप्पल हो गया, इंक पॉट हो गया, है ना। तो इन सब के साथ हमेशा देखो, ये दो स्पेशल से रूल है, आप याद रखिएगा, डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा ए आएगा, ठीक। अगर ए या आई से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा एन का यूज होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, अगले स्लाइड पे क्या दिया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इसका डिस्कशन मैंने पहले कर रखा है। देखिए, आई हैव अ कार, ठीक है, यहाँ पे ये कार है तो इसलिए ए का यूज किया गया। राम हैज एन अम्ब्रेला, यहाँ पे एन का यूज किया गया, आपको पता होगा। और काउंटेबल क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कोई भी चीज जो हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट आर हाउ के बाद ए या एन का यूज होता है। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना। देखिए, व्हाट, अब इसके बाद आपने ए का यूज किया, ठीक। व्हाट अ प्रेटी गर्ल, ये हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर ऐसा वावेल साउंड बनता तो आप जरूर लिखते। जैसे देखिए, व्हाट एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना, कितना ईमानदार व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए, आपने एन का यूज किया, मतलब जब कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें व्हाट और हाउ के बाद हमेशा आप ए या एन का यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, मतलब जो वर्ब होता है, ये वर्ब हमेशा वर्ब रहता है, लेकिन अगर कभी नाउन के जैसा प्रयोग किया जा रहा है तो उसके पहले ए या एन लगाया जाता है। जैसे देखिए, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, है ना। यहाँ पे देखिए, राइड जो है ना, एक तरीके से वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नाउन के जैसे किया जा रहा है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, मतलब वो राइड के लिए गया है ना। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, है ना। अब यहाँ पे ड्रिंक का यूज किसकी तरह किया गया, नाउन की तरह किया गया, जिसके पहले हमने ए का यूज किया है, ठीक। चलिए, अब देखिए, आपने ए का पूरा यूज क्लियर कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे द का यूज। तो यूज ऑफ द की अगर बात करेंगे तो द इज यूज्ड फॉर डेफिनेट नाउन, द का यूज हमेशा डेफिनेट नाउन के लिए किया जाता है। अब देखिए, यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा का जिक्र पहले किया जा चुका हो तो उसे उसका पुनः जिक्र करने हेतु द का प्रयोग होता है। आपने ये अक्सर बुक या पैसेज पढ़ते समय देखा होगा। जैसे एक मैंने लाइन लिखा यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर, एक समय की बात है, एक किसान रहा करता था। देखिए, यहाँ पे किसान का जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है। लिव्ड, यहाँ पे लिव्ड अ फार्मर रहेगा, ऑफ नहीं, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर, है ना। देखिए, यहाँ पे अ का यूज हुआ है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द फार्मर। देखिए, यहाँ पे जब फार्मर की बात किया गया, देखिए आपने पहली बार आर्टिकल पढ़ा तो फार्मर से आपका परिचय हो गया, मतलब अब ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तब आपने आगे लिखा है, द फार्मर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, किसान बहुत ही मेहनती था। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें अगर एक बार किसी का जिक्र किया जा चुका है, फिर उसके बाद ना आगे अगर जिक्र करेंगे तो द का यूज होगा, ठीक। देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, द मैन इन ब्लू शर्ट इज माई कजिन। देखिए, द मैन इन ब्लू शर्ट, है ना, द मैन, यहाँ पे देखिए, मैन मतलब आदमी की बात किया जा रहा है, और आगे बोला गया कजिन। कजिन है मतलब आप 100% उसको जानते हैं, चीजें निश्चित है ना, तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये फिक्स है। जैसे देख, मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज कीजिए, आप घर पर है, ठीक, या फिर रास्ते पे आप जा रहे थे, है ना, एक कार ने आपको लिफ्ट दे दिया, है ना, कार ने आपको लिफ्ट दे दिया। अब इसके बाद कार का नंबर आपको ये, मतलब या फिर आप उस कार को जानते हैं, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा आप कैसे पहुंचे, तो आप बोलेंगे द कार, है ना। द कार मतलब जिस कार को आप जानते हैं ना, तो उसने आपको लिफ्ट दे रखा है। या फिर सपोज कीजिए आपके घर का गेट नॉक होता है ना, आप दरवाजा ओपन करते हो, ठीक है, कोई अंकल आए जिनको आप जानते हो, तो बोलेंगे द शर्मा अंकल इज कॉलिंग यू, है ना। अगर नहीं जानते तो बोलेंगे अ शर्मा अंकल। मतलब यहाँ पे द का मतलब ना चीजें पता है कि वो जो आदमी है ना उसके बारे में आप जानते हैं, अ का मतलब इसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक। चलिए और आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डेटा लिखा है, आर्टिकल द इज यूज फॉर यूनिक थिंग। यूनिक थिंग्स जो होती है ना, उनके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द गंगा, है ना, द सन, द मून, है ना। तो ये हम लोगों की क्लास यहाँ तक की रही है ना। इसके बाद और चीज़ें हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आर्टिकल के बारे में एक डेटा मैं आपको बता दूँ।
आर्टिकल का यूज जितना आपको आना चाहिए उससे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल का ओमेशन, है ना, कि आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये आर्टिकल की पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में हम लोग ओमेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल द के करेक्ट यूज को पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, देखिए आर्टिकल की पहली क्लास में हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग कैसे होता है उसको पढ़ रखा है डिटेल में। यहाँ पे हम लोगों के आर्टिकल की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग द का यूज पढ़ेंगे और साथ में कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट दिया माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ईच, आइदर, नाइदर, नो के साथ कोई भी नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा जुड़ा हो तो उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल मतलब आर्टिकल द या फिर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ईच अ बॉय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ईच है ना, ईच से यहाँ पे एक नाउन जुड़ा है तो आप यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं कर सकते, ईच बॉय बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है नो अ मैन, ठीक है नो अ मैन, तो यहाँ पे नो अ मैन गलत हो जाएगा, इसका सही तरीका होगा नो मैन, है ना। देखिए जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, आपने क्रिकेट में 100% देखा होगा, जब बॉल कैच उठती है ना तो वहाँ पे जो कमेंटेटर होते हैं वो बोलते हैं कि नो मैन जोन, है ना। यहाँ पे कभी भी नो अ मैन नहीं बोला जाता है, नो मैन बोला जाता है ना, तो यहाँ पे इससे आप यहाँ से आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड में क्या दिया, अगले स्लाइड में दे रखे हैं काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, साल्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, अ लॉट ऑफ, नंबर ऑफ। देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं ना, जो ऑफ एंडिंग वर्ड्स है ना, ऑफ एंडिंग वर्ड्स से इत्यादि शब्दों के बाद आने वाले नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जो भी ऑफ पर खत्म हो रहा है अगर उसके पहले मतलब उसमें कोई नाउन जुड़ा है तो आप वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप, देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ है ना, अब आगे लिखा है अ प्लेयर, तो यहाँ पे अ प्लेयर की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप हो जाएगा आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेयर, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। आगे देखिए वुड यू लाइक टू टेक दिस टाइप ऑफ अ बुक, क्या आप इस प्रकार की एक किताब लेना चाहेंगे। देखिए वुड यू लाइक टू, ठीक है ठीक है, दिस टाइप ऑफ अ बुक है ना, ये अ की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप होगा वुड यू लाइक टू टेक दिस टाइप ऑफ बुक, है ना, ये इसका सही स्वरूप होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी नियम समझ लिया, रूल नंबर सेकंड जो है आपका, ठीक है। चल अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए दिया क्या है, किसी भी स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, मार्केट, यूनिवर्सिटी इत्यादि पर प्राथमिक उद्देश्य के साथ जाया जाए, है ना, यहाँ पर जाएं, ये थोड़ा सा वर्ड मिसप्रिंट है ना, जाएं तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए इसका मतलब समझते, देखिए प्राइमरी पर्पज क्या है, पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूँ, प्राइमरी पर्पज का मतलब ये होता है जब किसी चीज को विकसित किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहां पे कुछ उद्देश्य होता है। जैसे देखिए स्कूल या कॉलेज, है ना, स्कूल या कॉलेज जब बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य एजुकेशन से जुड़ा था, एजुकेशन से जुड़ा था। हॉस्पिटल बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, ट्रीटमेंट था, इलाज था, है ना। इसी तरीके से अब मान लीजिए टेम्पल बनाया गया, चर्च बनाया गया, तो वहां पे पूजा करना, प्रार्थना करना, ये प्राइमरी पर्पज है इसका। अगर इन सब चीज उद्देश्य से आप जा रहे हैं तो वहां पे आप द का यूज नहीं करेंगे, अन्यथा द का यूज करेंगे। देखिए ही वेंट टू स्कूल टू मीट हिज टीचर, देखिए यहाँ पे स्कूल गया है, टीचर से मिलने के लिए गया, पढ़ने के लिए नहीं गया, मतलब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये सेंटेंस गलत है, है ना। इसका सही स्वरूप हो जाएगा ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज टीचर, यहाँ पे द स्कूल क्यों लगा, क्योंकि ये पढ़ने के लिए नहीं गया, अगर पढ़ने के लिए गया होता तो द का यूज नहीं होता। देखिए सोहन वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर, देखिए सोहन वेंट टू हॉस्पिटल, अब सोहन ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया, सोहन किस लिए गया, अपने भाई को देखने के लिए गया, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा, इसका सही स्वरूप ये होगा। देखिए अगर ऐसे लिख दिया जाए ना, राम गोज टू स्कूल डेली, देखिए राम गोज टू स्कूल डेली ना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही, यहाँ पे आपने द नहीं लगाया फिर भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि राम जब रोज स्कूल जा रहा है इसका मतलब इसकी भावना, इसका सेंस ये कह रहा है कि राम वहाँ पे पढ़ रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड में क्या डेटा दिया गया इसकी बात करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे रुके मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ये, ठीक है
ब्लू लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है किसी भी देश या राज्य के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कोई भी देश जैसे भारत हो गया है ना, नेपाल हो गया, देखिए ये सब देश है, महाराष्ट्र हो गया, राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया है ना, और भी आप देश या राज्य का नाम देख सकते हो, उनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। ये ग्रामेटिक तौर पर गलत माना जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद है जहां पर आप द का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी देश का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जैसे यूएसए है ना, जैसे यूके, यूएसएसआर है ना, इसके बाद किसी भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड लगाए है ना, इसके बाद रिपब्लिक लगाए, तो इन सब के साथ ना आप हमेशा द का यूज करेंगे है ना। और इसके अतिरिक्त भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख दिया, जैसे द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक। देखिए पंजाब एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, पंजाब के साथ हमेशा द का यूज किया जाएगा है ना, ये स्टेट है। द नीदरलैंड, इसके साथ द का यूज होगा। द वेस्ट इंडीज, द का यूज होगा। द सूडान, द कांगो, द ओमान, ये वुमन नहीं, ये देश का नाम है ओमान, द ओमान, तो इसके साथ भी आप हमेशा द का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए इन सब राज्य मतलब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मैंने लिख दिया है ना, बाकी इसके बाद जो डेटा है वो आपके सामने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, अगले स्लाइड पे जो इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्शन के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, परंतु यदि डायरेक्शन के साथ प्लेस है ना, डायरेक्शन के साथ प्लेस लगाओ तो वहाँ पे द का यूज नहीं किया जाता। देखिए डायरेक्शन मतलब जैसे द द ईस्ट है, सही है, द वेस्ट सही है, द साउथ ईस्ट सही है, द नॉर्थ वेस्ट सही है। ठीक, मतलब जो डायरेक्शन होता है, देखिए ये 8 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, देखिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये कहीं भी अगर लिखा रहेगा तो इन 8 डायरेक्शंस के साथ हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर इसके साथ कभी प्लेस दे दे, जैसे द वेस्ट बंगाल, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। द साउथ कोरिया, ये नहीं होगा है ना, द ईस्ट उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं होगा। तो आप कभी भी अगर डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम दिया तो उसकी जगह पर आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, हाँ देखिए इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी भी डायरेक्शन के साथ ई आर एन दिया है, ई आर एन का मतलब क्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ई आर एन, जैसे देखिए नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश है ना, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे ना आप द का प्रयोग करेंगे, अगर कभी भी ई आर एन लिखा है तो यहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ईस्टर्न पंजाब है ना, द वेस्टर्न अफ्रीका, तो वहां पे अगर कभी भी ई आर एन दिया है साथ में तो आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड अगला क्या बोल रहा है, इसमें यहाँ पे रूल नंबर देखिए 6 लिखा है, बिफोर द माउंटेन रेंज आर्टिकल द इज यूज है ना, कोई भी माउंटेन रेंज है, जैसे हिमालयस है ना, रॉकीज, एंडीज है ना, तो इन सबके साथ आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे, द हिमालयस, द रॉकीज, द एंडीज, ये होगा। नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, अब देखिए अगर कभी सिंगल माउंटेन लिखा है, जो हिमालय है ना, ये कई माउंटेन का एक ग्रुप है ना, यहाँ पे ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना माउंट एवरेस्ट, ये मतलब हिमालय की एक चोटी है, तो यहाँ पे जब कभी भी सिंगल माउंटेन की बात होगी, एक टॉप की बात की जाएगी, तो वहां पे या फिर किसी भी एक माउंटेन की बात होगी तो द का यूज नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट लिखा जाएगा, माउंट आबू, माउंट किलिमंजारो है ना, ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया, देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, विथ होली स्क्रिप्चर्स है ना, होली मतलब पवित्र, स्क्रिप्चर्स मतलब जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, या होली बुक्स मतलब जो पवित्र पुस्तकें होती हैं, इनके साथ आर्टिकल द इज यूज है ना, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे पवित्र पुस्तक या धर्म ग्रंथ, जैसे द गीता है ना, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द ऋग्वेद, द उपनिषद, तो जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, आप उनके साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा लिखा है कि अगर ऑथर्स नेम के साथ बुक का नाम दिया तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑथर्स जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद गोदान, मतलब प्रेमचंद का गोदान, अब गोदान को लिखा है प्रेमचंद ने, प्रेमचंद ऑथर है इसके, यहाँ पे इनके साथ दिया तो यहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे। वाल्मीकिस रामायण है ना, वाल्मीकि का रामायण, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपने रामायण के साथ द का यूज नहीं किया क्योंकि इसके पहले वाल्मीकि दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या है ना, देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे दिया है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है, एंड फोर्ट्स मतलब जो किला है, के साथ नाम के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द टीम ताजमहल रहेगा, टीम महल हो गया, द ताजमहल,
आज के टाइपिंग में काफी ज्यादा मिस्टेक है, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए द ताजमहल, द व्हाइट हाउस है ना, तो देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे रेड फोर्ट्स है, ताजमहल है, व्हाइट हाउस है ना, इन सब के नाम के साथ आप हमेशा द का यूज करेंगे, है ना। तो कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि यही रहे, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए द कुतुब मीनार, मतलब कोई भी रहना जो हिस्टोरिकल है तो वहां पे आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक। आगे वार्स एंड रिवॉल्यूशन के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, वार्स है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति है फ्रांस की, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। हाँ, यहीं पे एक आर्टिकल आपको याद रखना है कि अगर कभी भी ना द फर्स्ट वर्ल्ड वार लिखा है तो ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया जाए वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे, ऐसे लिख दिया गया वर्ल्ड वार सेकेंड, तो यहाँ पर भी आप द का यूज नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ना जैसे मान के चलिए ऐसे लिख दिया, जैसे एंग्लो फ्रेंच वार सेकेंड है ना, या फर्स्ट या थर्ड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। तो जब कभी भी ऐसा आर्टिकल दिया रहे जिसमें ये रोमन डिजिट में दिखाया जाए कि किस नंबर का वार है, किस नंबर का युद्ध है, तो वहां पे आप द का यूज नहीं करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दिया है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब राजनीतिक पार्टीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, देखिए रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब धार्मिक समुदाय है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब संगीत के कुछ यंत्र है, न्यूज़पेपर है, इसके बाद हेवनली मतलब जो खगोलीय पिंड है, ETC के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक दो दो एग्जांपल लिखा है, आप और भी देख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा द BJP, द भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ना। इसके बाद आप कोई भी कम्युनिटी का नाम लिख सकते हैं, जैसे द कांग्रेस है ना, ये भी एक कम्युनिटी है, द SP समाजवादी पार्टी, ये भी एक कम्युनिटी है ना, द भीम आर्मी। तो देखिए कभी भी अगर कोई कम्युनिटी है तो उसके नाम के साथ आप द का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदू है ना, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द ईसाईज, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द गिटार है, द पियानो, ठीक है। तो और भी आप लिख सकते हैं द फ्लूट, मतलब कोई भी संगीत का यंत्र है तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेवनली बॉडी, आकाशी पिंड, द मून, द सन, द अर्थ, द नेपच्यून, तो मतलब जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे मून लिखा भी है। आगे देखिए द हिंदू, फिर से ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज़पेपर के संदर्भ में रखा गया द हिंदू, यहाँ पे एक कम्युनिटी के संदर्भ में, न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया है ना, द बिजनेस है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ना जो पेपर के नाम है ना, तो उनके नाम के पहले आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, तो इसको याद रखेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल रूल्स दिए हैं, इन स्पेशल रूल्स को समझते हैं, इसकी कहानी क्या है ना, फिर इसके बाद और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सम स्पेशल रूल्स है ना, ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो आपके ट्रांसलेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए यदि किसी वाक्य में संज्ञा न हो, मतलब नाउन नहीं दिया है, तो एडजेक्टिव के साथ द लगाकर उसे बहुवचन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड है ना, जो गरीब है वो हमेशा दुखी नहीं होते। यहाँ पे ना अगर आप इसको ऐसे लिखते द पुअर के साथ, अगर ये बिल्कुल सही है अभी हाल फिलहाल, अगर द पुअर इज दिया रहता तो भी गलत हो जाता है ना, पुअर इज रहता तो गलत हो जाता क्योंकि ये प्लूरल है। अगर पुअर को ना पुअर्स कर दिया जाता तो भी गलत हो जाता, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कमी नहीं। देखिए द इंडस्ट्रियस, जो मेहनती है, आर ऑलवेज अवॉइडेड, उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाता है, मतलब जो मेहनती व्यक्ति वो हमेशा सम्मानित होते हैं, मतलब उनके परिश्रम का फल मिलता है। तो देखिए यहाँ पे नाउन मिसिंग है, तो जो इंडस्ट्रियस है ना, मेहनती या फिर लेबोरियस बोल सकते हैं, ये यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इतना जानते रहिए। चलिए अगला रूल क्या है, देखिए एक रूल दिख रहा है, आर्टिकल हो प्लस नाउन हो, ठीक, एंड लगाओ और फिर में आर्टिकल और नाउन हो, मतलब ऐसे समझिए दो नाउन एंड के साथ जुड़ा और दोनों के साथ आर्टिकल हो, तो यहाँ पे ना दोनों अलग अलग माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं, और यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यही ऐसा हो जाए कि आर्टिकल हो, नाउन हो, फिर एंड हो और फिर वापस से नाउन आ जाए, मतलब आर्टिकल न रहे, तो ये दोनों एक माने जाते हैं और वहां पे सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे देखिए
द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव अराइव्ड। यहाँ पे क्या होगा ना, जो प्रिंसिपल है वो अलग व्यक्ति है और जो टीचर है वो अलग व्यक्ति है और दोनों आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हैव लग है। अब यहाँ पे देखिए क्या, द प्रिंसिपल एंड टीचर है ना, मतलब जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, दोनों एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगा है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, देखिए द लीडर एंड वर्कर। देखिए यहाँ पे लीडर एंड वर्कर लिखा है ना, इसका मतलब ये जो लीडर है वही वर्कर है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाए द लीडर एंड द वर्कर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लीडर अलग व्यक्ति है और वर्कर अलग व्यक्ति है। तो यहां से आप इन चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया, देखिए अगला स्लाइड दिया है, किसी वाक्य के दो प्रॉपर नाउन की तुलना हो तो सेकंड प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज होता है। देखिए प्रॉपर नाउन मतलब ये आप नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए मुंबई है, ठीक है, इंडिया का एक शहर है। मैनचेस्टर ये एक फॉरेन स्टेट है ना, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो मुंबई है इसे इंडिया का मैनचेस्टर आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो, इसके पहले आपने द का यूज किया। देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपने सेंटेंस जरूर सुना होगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास इंडिया के हैं, ये हिंदी और संस्कृत विषयों के विद्वान थे। शेक्सपियर है ना, ये एक तरीके से अंग्रेजी के जनक माने जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये इनके अंग्रेजी की विद्वता की तुलना कालिदास की हिंदी के साथ की गई है, मतलब ये माना गया कि कालिदास इंडिया में शेक्सपियर के समान है ना, ये भी सही है। आपने लिखा समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इंडिया का नेपोलियन है। तो एक स्लाइड पे आपको पांच क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको निकालना है। इसके बाद फिर एक एक करके आपको क्वेश्चन के आंसर मैच करना है कि जो आपने निकाला था वो सही था या फिर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इसके आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, निकाल लिया होगा कि क्या बना होगा, कौन सा किस पार्ट में मिस्टेक है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ स्टोरी। देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती, व्हेन आई मेट हिम ये बिल्कुल सही है, जब मैं उससे मिला। द कपल ऑफ डेज, देखिए जब कभी कपल ऑफ डेज की बात होती है ना तो वहां पर द का यूज नहीं होता है, तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक, ही वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। तो यहाँ पे द नहीं रहेगा, इसके मतलब इस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे द की जगह क्या होगा, द को आपको रिप्लेस करना है अ से, जैसे रिप्लेस करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ही इज बेस्ट टीचर इन इंडिया, ठीक है, वह भारत का सबसे अच्छा टीचर है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ही इज द बेस्ट टीचर होगा, तो इस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे इसका सही स्वरूप हो जाएगा ही इज द बेस्ट टीचर इन इंडिया, इसका सही स्वरूप ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। देखिए तीसरे की अगर बात करेंगे तो आपने नियम में क्या सीखा है कि जब कभी भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात किया जाता है तो डायरेक्शन के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही स्वरूप हो जाएगा एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, डायरेक्शन के साथ हमेशा द लगता है, तो इसके इस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है। नेक्स्ट है द कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, है ना, इस क्वेश्चन में किस प्रकार की त्रुटि है, देखिए इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा जब कभी भी दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है ना, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन होता है, सेकंड प्रॉपर नाउन, जब कभी भी दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाएगी तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड, ये इस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं रहेगा, आप लिखेंगे द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक। जैसे आपने इसमें इस तरीके के एग्जाम्पल भी देखा होगा, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना, देखिए कालिदास इज नोन एज, है ना। अब इसके बाद आपने क्या लिखा, द शेक्सपियर। जैसे आपने देखा होगा समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये चीज है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर पांच, राजू इज अ ऑनेस्ट बॉय। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट एच है ना, भले ही ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो इसका साउंड आएगा ये अ आएगा, मतलब ये वॉवेल साउंड दे रहा है। तो जब कभी भी वॉवेल साउंड आता है तो वहाँ पे वॉवेल साउंड के साथ ना कभी भी हम ए का यूज नहीं करते, एन का यूज करते हैं, तो ये गलत है। इसका सही स्वरूप हो जाएगा राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, ये इसका सही स्वरूप होगा। देखिए आपने आर्टिकल में, आर्टिकल के क्लास नंबर एक में सीखा होगा कि ए और एन के यूज की बात जब हम लोग करते हैं
जहां भी या तो आपको वावल दिखेगा या वावल साउंड दिखेगा वहां पर एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी वावल साउंड दिख रहा है, भले ही वावल है लेकिन वावल का साउंड आ रहा है, जैसे देखिए यूनियन है ना, यूनिवर्सिटी, तो इन जगह पे आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, एन का यूज नहीं होगा। चलिए, तो ये एक स्लाइड था, आज में 5 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा सॉल्व किया होगा। आपके कितने मार्क्स बने आप इसको कमेंट कीजिएगा, मतलब कितने क्वेश्चन सही है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखिए स्लाइड नंबर सेकंड है, स्लाइड नंबर सेकंड 6 से 10 तक के क्वेश्चन है। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आई एम श्योर दैट अ रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। ठीक है, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ दैट अ रेड कार, एक लाल कार इन द पार्किंग स्लॉट, जो पार्किंग स्लॉट में खड़े, इज योर्स, तुम्हारी है। देखिए यहाँ पे ना ये बोला जा रहा है कि एक लाल कार, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कार तुम्हारी, मतलब उस कार को जानता है, तो यहाँ पे अ रेड कार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इसका सही स्वरूप होगा द रेड कार। क्योंकि जब कभी भी ऐसी चीज लिखी जाती है जहां पे निश्चितता होती है, कोई चीज फिक्स होता है, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा आई एम श्योर दैट द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स, यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, ये गलती था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राघव वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर। देखिए राघव वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर, यहाँ पे क्या लिखे, देखिए आपने देखा होगा जब कभी भी किसी चीज को उसके प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी पर्पज के लिए, तो वहां पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक, जब इसके सेकेंडरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, सेकेंडरी पर्पज के लिए जब यूज किया जाता है, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। देखिए राघव वेंट टू द स्कूल, राघव विद्यालय गया, टू मीट हिज ब्रदर, अपने भाई से मिलने के लिए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय में वो पढ़ने नहीं गया था, अपने भाई से मिलने गया था, सेकेंडरी पर्पज से गया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही हैज गिवन अ एडवाइस। ठीक है, उसे एक सलाह दिया गया। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो एडवाइस होता है, एडवाइस है ना, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, अप्लाउज हो गया है ना, इन सब के साथ ना किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एडवाइस जो है, एडवाइस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ही हैज गिवन एडवाइस, ये सही होगा। ठीक, यहाँ पे अगर आपको इसको सिंगुलर लिखना है या फिर किसी भी प्रकार से दिखाना है, तो आप लिखेंगे अ पीसेस ऑफ, ठीक है, या अ पीस ऑफ, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे अ एडवाइस, तो यहाँ पे अ गलत हो जाएगा। ठीक, इसका सही स्वरूप होगा ही हैज गिवन एडवाइस। अगला है देखिए, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर, रोनाल्डो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है ऑफ द फुटबॉल, यहाँ पे द फुटबॉल नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे खाली फुटबॉल रहेगा, रोनाल्डो फुटबॉल। देखो आपने देखा है कि गेम के साथ कभी भी, आपने पढ़ा होगा है ना, गेम के साथ कभी भी द का यूज नहीं होता है। आपने ग्लास ऑफ डेसिम वाली ट्रिक देखी होगी है ना, उसमें क्या बोला था कि जब कभी भी गेम की बात होती तो गेम के साथ आप द का यूज नहीं करते, तो रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल होगा, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप आराम से पकड़ लेंगे, द मून, ये मून मतलब चंद्रमा, एक आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, तो इसके साथ द का यूज है, सही है। रिवॉल्व्स मतलब चक्कर लगाती है, अराउंड अर्थ, देखिए अर्थ के पहले, पहली बात तो अ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए ए और एन की बात करेंगे तो आप एन लगाते, लेकिन आपको पता है कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, या फिर जो जितनी यूनिक चीजें होती हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो जो अर्थ है ये यूनिक है, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। ठीक, तो इस सेकंड स्लाइड में 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन ये देखिए तीसरा स्लाइड है। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, इसके बाद आप पूरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको आएगा आप देखेगा, और अगर नहीं आता तो फिर आप फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे दिया है द पल्स इज द फेवरेट फूड ऑफ योर ब्रदर। देखिए यहाँ पे लिखा है पल्स मतलब दाल, इज फेवरेट फूड, सबसे प्रसिद्ध मतलब पसंदीदा भोजन है ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का। इसमें कहाँ गलती, देखिए आपने देखा होगा ग्लास ऑफ डीसी में बताया गया होगा जो फूड होता है, फूड, फूड के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे द पल्स नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लिखेंगे पल्स इज द फेवरेट फूड ऑफ योर ब्रदर, तो यहाँ पे द का यूज नहीं रहेगा, पार्ट वन में मिस्टेक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सी इंजॉयड द डिनर विथ द हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसमें क्या गलती है, देखिए सी इंजॉयड, उसने इंजॉय लिया द डिनर, डिनर का विथ द हर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा जब कभी भी हिज, हर, माई,
योर, ये सब वर्ड्स आते हैं तो यहाँ पे हम कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना। ये अगर आपने रूल्स की क्लास देखी होगी क्लास नंबर 1 और 2 तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से ग्रैप कर पा रहे होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एंजॉयड द डिनर विद हर फ्रेंड्स, इसका सही स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, ठीक। यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन में, देखिए एक्सेप्शन में क्यों, क्योंकि जब भी आपने देखा था किसी बिल्डिंग या फोर्ट्स की बात की जाती थी तो उसके पहले द का यूज होता है, लेकिन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक एक्सेप्शन होता है, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। या आप ये समझिए कि पार्लियामेंट के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे द गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप हो जाएगा पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, योर ब्रदर has been promoted to the rank of the SP, ठीक है। Your brother, तुम्हारा भाई has been promoted, promote कर दिया गया to the rank of the SP, ठीक। देखिए यहाँ पे SP लिखा है, S है ना, अगर आप देखेंगे तो ये S है ना, ऐसे पढ़ेंगे है ना, तो यहाँ पे NSP आएगा, ठीक है, ASP नहीं हो, मतलब द SP नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे SP आएगा डायरेक्टली, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रॉबर्स वर कॉच जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल। देखिए रॉबर्स मतलब जो लुटेरे हैं, वर कॉच पकड़ लिए गए जस्ट बी बिफोर, ठीक पहले, दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल, जब वो जेल से भागने वाले थे। देखिए यहाँ पे जेल में उन्हें बंद किया गया, तो जेल के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये द गलत हो जाएगा, बाकी ये सही स्वरूप है। चलिए तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन और है। इस स्लाइड पे जो जो क्वेश्चन है आप देखिएगा आराम से, और वीडियो को पॉज करिए पहले, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको कितना आता है। देखिए राधा कैन स्पीक द हिंदी संस्कृत एंड द बंगाली फ्लुएंटली। राधा संस्कृत हिंदी और बंगाली एकदम फ्लुएंट बोल सकती है, अच्छे से बोल सकती है। देखिए जब कभी भी लैंग्वेज की बात की जाती है, लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते, तो लैंग्वेज के साथ द का यूज नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे राधा कैन स्पीक हिंदी संस्कृत एंड बंगाली फ्लुएंटली, इसका सही स्वरूप होगा। अगला क्वेश्चन है सी सेड टू हिज फादर ही विल कम इन द अगस्त, ठीक। देखिए यहाँ पे द नहीं आएगा क्योंकि जो ग्लास ऑफ डीसीएम है ना, ग्लास ऑफ डीसीएम, ये लगभग ना आर्टिकल के काफी ज्यादा रूल्स को कवर कर लेता है। ग्लास ऑफ डीसीएम क्या कहता है, देखिए मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। जी फॉर गेम, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर यहां पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सीजन, ओ से अदर वर्ड, एफ फॉर फूड या फेस्टिवल, डी से डेज, सी फॉर कलर और एम फॉर मंथ्स, है ना। इन सब के साथ कभी भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, ही विल कम इन अगस्त, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे इन अगस्त बिल्कुल सही स्वरूप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरीश इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास एट प्रेजेंट, है ना। अभी वर्तमान में हमारे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट जो है हरीश है। देखिए बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए को रिप्लेस करना है आपको द के साथ, ये इसका सही स्वरूप होगा। अगला है एट द बर्थडे राम प्रेजेंटेड अ एक्सपेंसिव गिफ्ट टू हिज ब्रदर, है ना। बर्थडे के दिन राम ने अपने भाई को एक महंगा उपहार दिया, है ना। देखिए एक्सपेंसिव, यहाँ पे अएक्सपेंसिव नहीं आएगा, एन एक्सपेंसिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वॉवल साउंड दे रहा है और वॉवल से स्टार्ट भी है, तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है आपको एन के साथ, ये इसका त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है आई सा एन वन आइड मैन हु वाज सिंगिंग बिसाइड द रोड, मैंने एक आंख के एक आदमी को देखा जो रोड के किनारे गाना गा रहा था। देखिए जब कभी भी लिखा जाता है वन आइड मैन, है ना, वन रुपी नोट, है ना, तो वहां पे हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है, तो अ वन आइड मैन, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, एन को आपको रिप्लेस करना है ए के साथ, ये इसका सही स्वरूप होगा। तो ये 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला देखिए अगले स्लाइड पे, यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन दिए, है ना। 5 क्वेश्चन क्या क्या, इसको देखते देखिए। नेहा वॉज रीडिंग विथ सच कॉन्सेंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल, ठीक है। नेहा इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रही थी कि उसे डोरबेल भी सुनाई नहीं दिया। तो देखिए जब कभी भी सच आता है, सच है ना, सच के साथ हमेशा अ लगाया जाता है, तो सच अ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे आपको अ जोड़ना है, सच अ कॉन्सेंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल, ये इसका सही स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पे ए आपको ऐड करना है। आगे व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्कलेस मैटर, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल, वे किस प्रकार के लोग हैं, ठीक है। दे मतलब वे, हु ऑलवेज फाइट्स फॉर द वर्कलेस मैटर, जो बिना किसी काम के चीज़ों पर लड़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, काइंड ऑफ, जितने भी ऑफ एंडिंग फ्रेज होते हैं इनके बाद कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दे, मतलब यहाँ पे ना द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि सॉर्ट ऑफ के बाद अब द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। देखिए आपने पीछे पढ़ा होगा सॉर्ट ऑफ, है ना,
सॉल्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मतलब जो भी लास्ट में ऑफ आता है ऑफ के बाद आप कभी भी द का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे द को हटा देंगे, इसका सही स्वरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनन्या टोल्ड द टीचर दैट सी डिड नॉट मेक द नॉइज। ठीक है, देखिए अनन्या टोल्ड द टीचर, अनन्या ने टीचर को बताया, दैट मतलब कि सी डिड नॉट मेक अ नॉइज, यहाँ पे अ नॉइज होगा, द नॉइज जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये द को रिप्लेस करना है अ के साथ, तो ये इसका सही स्वरूप होगा, यहाँ पे द गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, सी डज नॉट यूजुअली वोर ज्वेलरी बट एस्टरडे सी वोर रिंग। देखिए सी डज नॉट, सी मतलब वह, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली मतलब सामान्यतः, वोर ज्वेलरी मतलब जो गहने नहीं पहनती, बट एस्टरडे लेकिन कल, सी वोर यहाँ पे रिंग, देखिए यहाँ पे रिंग आपका एक नाउन है, तो नाउन के साथ कोई आर्टिकल आएगा जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी वोर अ रिंग, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा, तो यहाँ पे आपको अ लगाना पड़ेगा, अ लगाती है सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, इस स्लाइड के, इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट नाइट मैच, पिछली रात का जो मैच था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वाज अ थ्रिलिंग मैच, है ना, एक थ्रिलिंग मैच था। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, जब कभी भी ये लास्ट नाइट मैच की बात है, मतलब यहाँ पे डेटा फिक्स है, आप उस मैच के बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में जानते हैं, कोई चीज़ फिक्स है, पता है, डेफिनेट है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है, आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होता है, तो आप लिखेंगे लास्ट नाइट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज द थ्रिलिंग मैच, तो यहाँ पे इसका सही स्वरूप ये हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे क्या है, देखिए ये अगला स्लाइड है, देखिए इसमें यहाँ पे दिया द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। देखिए न्यू दिल्ली आपने देखा होगा कभी भी किसी स्टेट, कैप स्टेट हो गया, देश हो गया, है ना, या फिर कोई भी प्लेस हो गया, उसके नाम के साथ द का यूज नहीं करते, तो द न्यू दिल्ली नहीं, यहाँ पे न्यू दिल्ली होगा सीधा सीधा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप है, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द रोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। देखिए यहाँ पे स्वीटेस्ट, आप ध्यान से देखिएगा, स्वीटेस्ट है ना, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सुपरलेटिव के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, अ को रिप्लेस करना पड़ेगा द के साथ, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू टेक द आइस इन द मिल्क शेक, है ना। देखिए आप ये आइस, आइस की बात करेंगे तो आइस के साथ यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, आप लिखेंगे, देखिए आइस के साथ ना आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। ठीक, आपने पढ़ा होगा आइस, एडवाइस, वर्क, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इन सब के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अगर अभी जैसे मान के चलिए आपको नहीं आता है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आपको और चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला है, गंगा इज कंसिडर्ड टू बी अ सैक्रेड रिवर। ठीक है, गंगा इज कंसिडर्ड, देखिए यहाँ पे गंगा की बात करेंगे, गंगा आपका यूनिक चीज़ है, और आपने देखा है कि जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो आप सिर्फ गंगा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द गंगा, तो यहाँ पे इसमें आपको द ऐड करना पड़ेगा, द जैसे ही ऐड करेंगे इसका सही स्वरूप बन जाएगा। चलिए आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, है ना, आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है, द लोकल काउंसिल लीडर कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स हु वॉन द मैच। देखिए द लोकल काउंसिल लीडर, है ना, लोकल काउंसिल लीडर जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया प्लेयर्स, उन खिलाड़ियों को, हु वॉन द मैच, जिन्होंने मैच को जीता था। ठीक है देखिए अभी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे द मैच, है ना, यहाँ पे द मैच का कोई सेंस नहीं है ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा द लोकल कांग्रेस, लोकल काउंसिल लीडर कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लेयर्स हु वॉन मैच, जिन्होंने मैच जीता था, इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा।